गुड आफ्टरनून बच्चों। कल जो हमने प्रोनाउन पढ़ा था, आज मैं उसकी काइंड्स आपको बताने जा रही हूँ। तो जी, ये जो प्रोनाउन है, देयर आर सिक्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स। प्रोनाउन की सिक्स काइंड्स होती हैं। फर्स्ट है इसकी पर्सनल प्रोनाउन्स, पॉसेसिव प्रोनाउन्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स, रिलेटिव प्रोनाउन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसकी पहली पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्संस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे तीनों पर्सन्स के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी ये हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई एम स्मार्ट, यू आर टॉल। यहाँ पे आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है, और यू जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। आई और यू, इसमें आई में फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे यू जो है ये सेकंड पर्सन है। दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन, क्योंकि इसमें थ्री पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। आई एंड वी, जैसे कि मैं इस वक्त आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं स्पीकिंग पर्सन हूँ, तो इसमें स्पीकिंग पर्सन जो है वो मैं हूँ, मीन्स आई। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, तो इसमें सेकंड पर्सन वो होता है जिसमें फर्स्ट पर्सन किसी दूसरे के साथ बात कर रहा हो। जैसे इस टाइम मैं जो हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप जो हो सेकंड पर्सन हो, और मैं जो हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यानी मैं फर्स्ट पर्सन आपके साथ सेकंड पर्सन के साथ बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू। थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ ही शी दे, थर्ड पर्सन वो होता है जिसमें मैं और आप किसी तीसरे के बारे में